वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम आखिरी तीन न्यूमेरिकल देखेंगे, यानी आठवां, नौवां, दसवां। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका एग्जाम पजीर हो जाएगा और मेरे बेटे अच्छे से आपने ये तैयारी करनी है। चलते हैं बुक की तरफ और वहां पे हम जो है ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसमें कहा गया है वाटर वेव्स इन अ शॉलो डिश आर 0.6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, इसमें हम गिवन डेटा साथ साथ देखते जाते हैं। हमारे पास जो है वो गिवन डेटा है, गिवन डेटा इज इक्वल टू लेंथ उनकी दी गई एट अप एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दी गई यहाँ पे 0.4 पॉइंट फ्रीक्वेंसी इसके जो हर्ट्ज आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज आ जाएगा आपके पास। अच्छा, उसके साथ दी गई है पर सेकेंड और उसकी लेंथ दी गई है, वो कितनी दी गई है, 6.0 सेंटीमीटर, या फिर आप कह सकते हैं 0.06 मीटर। ठीक है, 100 पे डिवाइड करते हैं। तो टू फाइंड करना, हमने टू फाइंड कुछ और भी दिया गया इसमें, वाटर वेव्स इन अ शालो डिश 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट। अच्छा, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एट अ वन पॉइंट है यहां पे, तो हम इसको कर देंगे क्या, इसको हम लिखेंगे लैम्डा, सॉरी लैम्डा लिखेंगे, इसकी वेवलेंथ आ जाएगी बेसिकली। तो हम इसके साथ जो है अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक हो गया जी। अब क्योंकि ये वन पॉइंट है तो वन पॉइंट पे यानी कि मखसूस पॉइंट तक उसकी जो वेव बताई गई है। तो टाइम पीरियड मालूम करें, टू फाइंड टाइम पीरियड एंड द टाइम पीरियड एंड द स्पीड, फॉर्मूला लगाते हैं हम, टी इज इक्वल टू 1/f एंड वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन इधर ही करते हैं। चलो टी इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/4.8 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से बेटा हल करते हैं, कैलकुलेटर लें तो 1/4.8, तो ये इक्वल टू आ रहा है आपके पास 0.208 राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.29 सेकेंड। टाइम पीरियड आपके पास आ गया इस तरीके से। अब हम मालूम करते हैं उसकी स्पीड, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.8, लैम्डा की वैल्यू 0.06, इसको करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो क्या आता है हमारे पास, ये देख लेते हैं हम, 4.8 मल्टीप्लाइड 0.06, तो ये हमारे पास आ रहा है आई थिंक यहां पे 0.288 आ रहा है यहां पे, और यहां पे इन्होंने लिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई है, वो मैं भी सेट करता हूं, आपको बताता हूं। तो ये आपके पास आ रहा है 0.288 और यहां पे 0.29 आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी। यहां पे ये यहां पे 1 होना था, बाई मिस्टेक मैंने यहां 9 कर दिया है, तो ये इसके लिए माजरत, ये थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, 0.21 सेकेंड्स आपके पास टाइम आ जाएगा, ये आपके देखे 0.21 और 0.29 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ जाएगी इसकी स्पीड आ जाएगी। तो आप जो है इसको थोड़ा सा आप देखें, हम करते हैं अब जल्दी से अगला न्यूमेरिकल, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। इसको आप यहाँ पे पॉज कर लें, इसको लिख लें और समझ लें, कोई मसला हो तो आप बेटा कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास है 9 न्यूमेरिकल है, एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक इज 80 सेंटीमीटर क्रॉस, यानी उसकी जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है,
एट अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेटर की, जो यानी वेव जो पैदा करने की फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज है, यानी कि वेव की फ्रीक्वेंसी आप कह लें, हूज वेवलेंथ इज 40 मीटर मिलीमीटर, उसकी जो वेवलेंथ होता है बता रहा 40 मिलीमीटर, फाइंड द टाइम वेव, टाइम द वेव नीडेड टू क्रॉस द डैम। समझ आई बात की? चलो कर लेते हैं, ये आपको मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। गिवन डेटा में आते हैं, गिवन डेटा हमारे पास जो है डी दिया गया है टोटल 80 सेंटीमीटर या 0.8 मीटर, 100 पे डिवाइड कर देंगे बेटा ये 0.8 आ जाएगा, नहीं है तो कैलकुलेटर से आप कर लें, यानी आप 80 डिवाइड बाई 100 करेंगे, ये देखो तो जीरो कैंसिल, तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 0.8 आ जाएगा, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ये 5 हर्ट्ज है, और सेकंड इसके साथ है हमारे पास वेवलेंथ है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर है, इसको हम 1000 पे मिलीमीटर 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 40 डिवाइड बाई 1000 हमारे पास आएगा, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.04 हमारे पास आ जाएगा मीटर आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 0.04 मीटर। लैम्डा हमारे पास आ गया और फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है, उसके बाद हमने इसको जो है फाइंड करना है, इसमें एक तो हमने फाइंड करना है उसका टाइम, तो टू फाइंड हमारे पास है, सिर्फ टाइम ही फाइंड करना है और कुछ नहीं फाइंड करना, तो टाइम हम फाइंड कर लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हमारे पास भी हो तो हम टाइम को फाइंड कर सकते हैं। फार्मूले की तरफ आए तो आपको क्लियर हो जाएगा, v इज इक्वल टू हमारे पास होता है f लैम्डा, यहां से भी आ गया बेटा, और v इज इक्वल टू हमारे पास होता है डी ओवर टी, अब टी हम इधर शिफ्ट कर देंगे, v इधर शिफ्ट कर देंगे, तो टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी ओवर वी, तो हमारे पास ये टाइम आ जाएगा। क्लियर हुई बात? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कैलकुलेशन करते हैं बेटा, कैलकुलेशन में हमारे पास v इज इक्वल टू f लैम्डा, v इज इक्वल टू f की वैल्यू हमारे पास क्या है वो है 5, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0.04 है, ये आएगा 0.2 आ जाएगा, आई थिंक 4, 5 20 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, हमारे पास v आ जाएगा। अब d की वैल्यू हमारे पास क्या है, d की वैल्यू हमारे पास है 0.8, और v की वैल्यू क्या है हमारे पास, टाइम का मैं लगाते हैं 0.2, ये पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1, 2, 1 2, 2, 4 8, तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 सेकेंड। शाबाश, तो इस तरीके से बेटा हम ये इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लें और अच्छे तरीके से समझ लें, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी हैं कि एग्जाम्पल्स क्योंकि पहले से हल शुदा होती हैं, उस पर आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं और बाद अवत एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स आपने अच्छे तरीके से बेटा हल करनी है, पैटर्न आपने यही रखना है, गिवन डेटा टू फाइंड फार्मूला कैलकुलेशन, एंड पे आप चाहें तो छोड़ो सा रिजल्ट आप बता सकते हैं रिजल्ट की फॉर्म में, पॉज करके आप यहां पे लिख लें, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा जी, हमारे पास आखिरी न्यूमेरिकल है, इसमें पूछा गया व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ट्रांसमिशन बाय एफएम स्टेशन 90 मेगाहर्ट्ज, क्या गिवन है भाई, यहां पे गिवन है बेटा, गिवन डेटा है यहां पे, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास है 90 मेगाहर्ट्ज, मेगा जो होता है वो होता है 10^1,000,000 होता है, बेसिकली 10^6 होता है, यानी 10 लाख होता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी 90 मल्टीप्लाइड बाय 10^6 हर्ट्ज, ठीक हो गया जी, मेगा को हमने लिख दिया, और यहाँ पे उन्होंने बताया भी है, वैसे मैंने खैर और नहीं किया था, यहाँ पे बताया हुआ भी है, और स्पीड आपको दी गई है v इज इक्वल टू 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, टू फाइंड क्या करना है हमने, टू फाइंड हमने करना है बहुत ही सादा सी चीज, क्या फाइंड करनी है, व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा हमने फाइंड करना है, फार्मूला यहां लिख देते हैं, v इज इक्वल टू f लैम्डा, और v ओवर f इज इक्वल टू हमारे पास इधर निकले लैम्डा या उधर निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन में आ जाते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f, शाबाश कैलकुलेटर निकाले मेरे बेटे, v की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 × 10^8 डिवाइडेड बाय 90 × 10^6। ओके, अब मैं आपको बता दूं करना कैसे, आपने आप करेंगे 3, फिर बास कैलकुलेटर के नीचे छोटा सा 10 लिखा होगा, बास के नीचे छोटा एक्सपी लिखा होगा एक्सपोनेंट,
आप कोई भी अलामत नहीं डालना, मल्टीप्लाई कुछ भी डालना, डायरेक्ट आप exp का बटन प्रेस करेंगे और उसके साथ लिख देंगे 8, ठीक हो गया। फिर आप डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, फिर आप लिखेंगे 90 और ये पॉइंट के साथ ही आंसर के दरमियान, पॉइंट और आंसर के दरमियान एक exp का बटन होता है, दोबारा वही प्रेस करेंगे और लिख देंगे 6, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.33333, कुछ ज्यादा 3 हो गए, तो हम दो इसमें लेंगे 3.33 मीटर, हमारे पास उसकी वेवलेंथ आ जाएगी, ये सॉरी ये हमारे पास आ जाएगी 3.33 मीटर। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये आखिरी न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हुआ माशाल्लाह से। आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, पहला चैप्टर हमारा मुकम्मल है, इसमें से आपने MCQs, उसके थ्योरी और उसको सारी चीजें बेटा अच्छे तरीके से तैयार करनी है। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।